किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन को टारगेट करने की कोशिश इस वीडियो से नहीं करी है। सारे नामों को मैंने छुपा दिया है, आप कमेंट सेक्शन में खुद गेस कर सकते हो। बहुत ज्यादा गुस्सा हूं आज मैं। ऐसे ऐसे कॉलेजेस हैं जो एक एक करोड़ रुपए के आपको प्लेसमेंट के एड दिखाएंगे, पर अंदर जाओ उसकी तह में जाओगे, अपनी फीस जमा करके उस कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लोगे, तो आपको पता चलेगा कि इस कॉलेज के अंदर की डार्क रियलिटी क्या थी। ऐसे ऐसे कॉलेजेस के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा जो एक एक करोड़ रुपए की प्लेसमेंट तो आपको प्रॉमिस कर रहे हैं, पर उसके अंदर उनके फीमेल कैंडिडेट्स कॉलेज के अंदर सेफ नहीं है, ड्रग्स का व्यापार चलने लग रहा है कॉलेज में, और जो चीजें कोटा में हमारी बोली जाती हैं कितनी गलत चीज हो गई जेईई के रिजल्ट के बाद, ये वाली चीजें सारी इन कॉलेजेस के अंदर भी होती है। स्टूडेंट्स ड्रास्टिक स्टेप्स लेते हैं, पर इन कॉलेजेस के पास एक चीज है जो इन कोचिंग इंस्टीट्यूट से अलग है, वो है आपके मम्मी पापा के 20 से 30 लाख रुपए की भारी फीस, जिस फीस को जिस गांधी जी को यूज करके ये सारे मीडिया को दबा देते हैं, वो इशू वहीं पर खत्म हो जाता है। ऐसे भी कॉलेजेस का पर्दाफाश आप लोगों के सामने करूंगा, एक अच्छा कॉलेज बताऊंगा और एक बुरा कॉलेज बताऊंगा, इस तरीके से पूरी वीडियो को बांटा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे पब्लिकली बताना बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है, वीडियो कभी भी डाउन हो सकती है, लॉसूट सीज एंड डिजिस नोटिस आते रहे हैं इस चैनल पे, और आपको इस वीडियो को बचाना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करके चाहिए। पंजाब रीजन में ही आता है, ये है पंजाब फाड़ू कॉलेज, आप इमेज से खुद पहचान जाएंगे। GFTI हमारा काफी ज्यादा सॉलिड ये कॉलेज है, ये 1921 में एस्टैब्लिश हुआ था, 1.13 लाख इस कॉलेज की फीस है, और साल की फीस का मतलब हमारा 7 से 8 लाख रुपए में पूरी पूरी बीटेक इस कॉलेज से कंप्लीट हो जाती है। एवरेज पैकेज आपको 12 से 15 लाख रुपए का लगा के देता है। लोअर ब्रांच भी इस कॉलेज में मिले तो उड़ता पंजाब यूनिवर्सिटी से बहुत बेहतर रहोगे। हाईएस्ट पैकेज 83 लाख का गया है। एप्पल भी कॉलेज के अंदर विजिट करती है और आपको एडमिशन देती है, इस कॉलेज को डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। MRF यूनिवर्सिटी के आपको MRF से आप समझ गए होंगे कौन से कॉलेज की बात कर रहा हूं, चेन्नई के अंदर एक कॉलेज है, उससे पहले एक और अच्छा कॉलेज इसका पुणे कैंपस या रिसेंटली लॉन्च हुआ है, न्यूटन न्यू एज स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, अजिंक्या DY पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे के साथ इनका बहुत बड़ा पुणे कैंपस लॉन्च हुआ है, 100 एकड़ से ज्यादा बड़ा ये कैंपस है। दिल्ली NCR वाला इनका ऋषि यूनिवर्सिटी के साथ था, उसकी सक्सेस के बाद इस कैंपस को लॉन्च किया गया, बहुत बड़ा IT हब है मेरे हिसाब से, NCR से भी बड़ा IT हब अगर मैं बोलूंगा तो। पुणे के अंदर सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिसेज हैं, भैया मैकबुक मिलती है, मैकबुक मिलेगी हर बच्चे को जो इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेता है। उसके अलावा आपको इंडस्ट्री लीडर्स इस कॉलेज के अंदर भी पढ़ाएंगे, कंप्यूटर साइंस के बहुत वेल इक्विप्ड लैब बने हुए, UGC अप्रूव्ड डिग्री है, AICTE अप्रूव्ड डिग्री है, बीटेक की हमारी कंप्यूटर साइंस वाली डिग्री है, तो वो वाली भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मोर देन 50% इन क्लास 12 बोर्ड्स, NSAT एग्जाम के थ्रू इनका एडमिशन होता है, बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट होती है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू होगा, स्कॉलरशिप अप टू 100% मिल सकती है इस कॉलेज में, तो अगर 100% मिल गई तो बढ़िया चांस बन जाएगा। सब चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हर कॉलेज की ही वेबसाइट का लिंक किया है, इनका भी कर दूंगा। तो न्यू एज कॉलेजेस देख रहे हो और बीटेक डिग्री आपको चाहिए, बाकी सब लोग BSc वगैरह दे रहे हैं, ये बीटेक दे रहे हैं, तो आप न्यूटन न्यू एज स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को कंसिडर कर सकते हो, पर जिसको कंसिडर नहीं करना है वो होने वाली है MRF यूनिवर्सिटी चेन्नई। भैया MRF के तो टायर होते हैं, खुद आप देख के समझ जाओगे कौन से कॉलेज की बात हो रही है। कॉलेज की फीस रहने वाली है मात्र 20 लाख रुपए, और 71 करोड़ रुपए के एक बहुत बड़े स्कैम में इनके चेयरमैन पे केस चल रहा है आज तक, बहुत पुराना स्कैम है, मेडिकल कॉलेज भी है यार इनका, 71 करोड़ रुपीस की कलेक्शन हुई थी किसी एजेंट के द्वारा इनकी मेडिकल सीटों के लिए, और वो सारे पैसे हमारे चीटिंग में, फ्रॉड में, ब्राइबरी में, फोर्जरी में सब कुछ खत्म हो गया था। इस कॉलेज के अंदर की भी फीमेल कैंडिडेट्स तो बिल्कुल सेफ नहीं है, और प्लेसमेंट के हिसाब से अगर आपको लग रहा है आपका बच्चा सेफ हो जाएगा इस कॉलेज में जाके, तो वो भी नहीं होने वाला है। अपना जो इतना बड़ा व्यापार है उसको एक्सपैंड करने के लिए इनके जो बिजनेसमैन सर हैं उन्होंने नई कैंपसेस खोल दिए, दिल्ली NCR के अंदर भी इनके कैंपसेस खुले हुए हैं, बहुत बुरी हालत है, खुद पर्सनली मैंने विजिट किया हुआ है, बच्चे कॉलेज के अंदर घुसोगे, बच्चों से पूछोगे, बच्चे खुद आपको साइड ले जाके बोल देंगे कि भैया इस कॉलेज में तो किसी का मत करवाना, ना वीडियो बनाने की जरूरत है, कम लोगों को पता चलेगा तो अच्छा है। कैंपस के एड्स में आपको फॉरेनर स्टूडेंट्स दिखा के ल्यूरिन किया जाएगा कि यार यहाँ पे तो फॉरेनर बहुत बड़ी रिप्रेजेंटेशन है, तो इन चीजों पर पागल मत बनना, बहुत सारे लोग मोटे मोटे यार एजुकेशन लोन लेके अपनी ना भाई जिंदगी बर्बाद कर बैठते हैं। ये देखो 25 लाख किसी कॉलेज की फीस है, 15 लाख रुपए का आपने लोन ले लिया, 10 लाख आपने अपने माँ बाप से लेके इस कॉलेज के अंदर लगा दिए, 7% के बेसिक से इंटरेस्ट पे लेके चलू, 5 साल की EMI है, कॉलेज से आपकी प्लेसमेंट लगेगी 3.5 से 4.5 लाख रुपए की, इसका मतलब बैंक अकाउंट में टैक्स कट के आपके पास जो पैसे आएंगे वो आएंगे 30,000 से लेके 35,000, भैया टैक्स नहीं कटता अंडर 5 लाख, धीरे धीरे प्रमोशन होएगा तो भी जो पैसे हैं वो हमारे कांस्टेंट रहते हैं, मैं मान के चल रहा हूँ 5 साल के टेन्योर में 30,000 से लेके हम 50,000 मैक्सिमम तक पहुंच जाएंगे, जो एक अच्छी ग्रोथ मानी जाती है। अगर आपकी 30,000 रुपए की कॉलेज के बाद नौकरी लगती है तो यहाँ जरा EMI पे गौर फरमाइए, 29,702 रुपए की तो आप EMI दे रहे होंगे, इसका मतलब आप कॉलेज का लोन चुका रहे होंगे अगले 5 साल तक, और उसके बाद
बाद आपकी एक्चुअल अर्निंग शुरू होगी। अगर आज आप 18 साल के कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रहे हैं, 4 साल की आपने अपनी बीटेक की डिग्री करे, 22 या 23 साल पे आप ग्रेजुएट हुए, 23 साल के बाद 5 साल आपने लगा दिए अपना लोन चुकाने में, उसके बाद आप नेट पॉजिटिव आए, इस लोन को चुकाने के साथ साथ बैंगलोर गए, पुणे गए, वहां के खर्चे भी अपने आप आपको उठाने, रेंट उठाना है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस उठाने, कभी कभी दोस्तों के साथ पार्टी करने जाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं बचता है। 23 के बाद 28 के हो जाओगे, जब तक लोन चुकाओगे उसके बाद नेट पॉजिटिव आओगे, तो अगले 10 साल आपके एकदम डूम्ड है ऐसे कॉलेजेस में जाके जहां से आपकी आउटकम उतनी अच्छी नहीं और फीस एकदम जबरदस्त है। इसलिए यार बहुत सोच समझ के आप जहां पर बोलोगे वहां पर यार आपके पेरेंट्स आपका एडमिशन करवा देंगे, अपने पैसे डाल देंगे, पर ये वाली कॉल आपको मेरे साथ एकदम सोच समझ के लेनी है कि किस तरीके से कर सकते हैं। अगले कॉलेज की बात करूं तो वो इसी लोन वाले फैक्टर पे बनी है, वो हमारी होने वाली है क्वांटम आरओआई यूनिवर्सिटी। इसका मतलब आपको एक डिसेंट प्लेसमेंट चाहिए कम फीस के अंदर, जहां पे वो कॉलेज 20 से 25 लाख रुपए में बीटेक करवा रहे हैं, यहां पे आपकी अंडर 10 लाख मोटी मोटी जो बीटेक की डिग्री है वो हमारे पास आ जाती है और प्लेसमेंट भी हमारी कहीं ना कहीं डिसेंट देखने को मिल जाती है। मीडियम पैकेज 6 से थोड़ा सा कम कह सकते हैं, 5.25 से 6 के करीब यार इसका मीडियम पैकेज रहता है कॉलेज से। तो यहां मैं बोलूंगा एक अच्छा आरओआई है जहां आपको शायद लोन लेने की जरूरत ना पड़े और कॉलेज के अंदर आपका एडमिशन आराम से हो जाए। हाईएस्ट पैकेज ऐसा नहीं है कि यार ये एक करोड़ का क्लेम कर रहे हैं, खेके चलते हैं कि साढ़े तैंतीस लाख का सर जी हाईएस्ट पैकेज है, रुड़की के अंदर यार ये वाला कॉलेज रहने वाला है, तो ऐसे कॉलेजेस को हमें ढूंढना पड़ेगा और कंसिडर करना पड़ेगा क्यों कि यार बोर्ड्स और सीयूईटी इन सारे एग्जाम से इस कॉलेज के अंदर एडमिशन होता है एक अच्छी चॉइस हो सकती है। सारे कॉलेजेस की वेबसाइट्स का लिंक खराब वालों का तो नहीं दूंगा, इससे पहले लॉस उठाए, पर अच्छे कॉलेज जो भी बता रहा हूँ, ग्रीन कलर वाले, उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्
कॉलेज अपने फेस्ट की वजह से रिसेंटली बहुत फेमस हुआ। इन्होंने बादशाह को बुलाया, उसके साथ किसी और को बुलाया जिसके बारे में बात नहीं करूंगा, आपके सामने वीडियो आ गई होगी। पर अगर इतना पैसा, इतनी इन्वेस्टमेंट ये लगा देते कंपनीज को कॉलेज में बुलाने में तो बहुत बढ़िया हो जाता। 14 से 16 लाख रुपए की कॉलेज फीस लेता है, देहरादून के अंदर स्थित है, और 3.5 लाख रुपए का मात्र एवरेज पैकेज हमें देखने को मिलता है। रेप्यूटेशन का मेरे को नहीं पता यार अथॉरिटीज को क्या ख्याल था, बहुत ज्यादा मजाक उड़ा कॉलेज का सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके की चीजें सामने डिस्प्ले हुई। इस कॉलेज को भाई ना कोई लोकेशन का एडवांटेज है, ना किसी एलम बेस की बात करें, प्लेसमेंट के अंदर फुल हवाबाजी कर रखी है। 84.8 लाख का हाईएस्ट पैकेज ये लोग क्लेम करते हैं। ऐसे बच्चों का यार जनरली क्या होता है, इस कॉलेज की स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूं, इन जनरल ऐसे कॉलेज का क्या होता है, या तो कंपनी से टाइप होते हैं तो कंपनी प्रोबेशन पीरियड के अंदर ही बच्चे को बाहर कर देती है, या दूसरी चीज ऐसे होती है कि बच्चा ही इतना कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो किसी तरीके से पहुंच तो गया उस कंपनी के अंदर, क्या पता इस यूनिवर्सिटी का बेस्ट बच्चा था पर वो उस कंपनी के अंदर टिक ही नहीं पाया, तो इन दोनों आउटकम्स में इस बच्चे की जिंदगी हो जाती है खराब और कॉलेज को अपनी बड़ी बड़ी हेडलाइन मिल जाती है कि हमारे यहां से लगा 84.8 लाख का पैकेज। तो ये वाली रियलिटी आपकी ग्राफिक लुट एरा यूनिवर्सिटी की बहुत ज्यादा भाई, आज तो ईमेल चेक करना भाई। तो नेक्स्ट यार मैं बात करता हूँ जेपी फैंग इंस्टीट्यूट, यार नोएडा के अंदर कॉलेज है, इसको मैं बोलता हूँ फैंग में भेजने वाला कॉलेज, क्योंकि यहाँ पे अमेजोन भी आता है, माइक्रोसॉफ्ट भी आता है, सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं कॉलेज से बच्चों को लेके जाती है, जेई से भी एडमिशन लेता है, जेई के अलावा आपके बोर्ड एग्जाम में अगर अच्छा स्कोर है वहाँ से भी एडमिशन लेता है। दो कैंपसेज हैं 62, 128, कोई भी धांधलेबाजी मैनेजमेंट कोटा वाले एडमिशन जैसे आपको MRF यूनिवर्सिटी, आपको मेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन सारे कॉलेज में देखने को मिलेंगे, वैसा कुछ नहीं होता है इसके अंदर। एक NRI वाला रूट है जो मेरे को कुछ लोगों ने बताया, उसमें बहुत ही हाई फीस के थ्रू कुछ कुछ कर लेते हैं लोग, पर मोस्टली ये जो कॉलेज है क्लीन रहने वाला है। फीस कॉलेज की यार 11 लाख है, एवरेज पैकेज हमारा 7.57 लाख है, इस फीस में हॉस्टल की फीस इंक्लूडेड नहीं है, उसको मिला देंगे तो 16 से 17 लाख रुपए हो जाएगी। हाईएस्ट पैकेज 43 लाख का इस कॉलेज का रहने वाला है, एक अच्छा कॉलेज है जिसको आप कंसिडर कर सकते हो। पर एक और कॉलेज है नोएडा का, आप कमेंट सेक्शन में नाम खुद पहचान सकते हो कौन सा होने वाला है, उस कॉलेज को बिल्कुल ज्वाइन नहीं करना चाहिए, इसको भी वेबसाइट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और ये होने वाली है हमारी हवाबाजी यूनिवर्सिटी नोएडा। अब आपको कराता हूं एक ऐसा कॉलेज इमेजिन जो 18 लाख रुपए की आपको बीटेक की डिग्री कराता है, और इस कॉलेज के गार्ड्स आप लोगों से ज्यादा अमीर है, क्योंकि उनके पास 2.5 किलो की ड्रग्स पकड़ी जाती है, नोएडा की पुलिस कॉन्फिस्केट कर रही है इतनी मोटी ड्रग्स। कॉलेज के पार्किंग लॉट के अंदर जाओगे तो बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी मिलेगी, गाड़ियों के अंदर देख के अगर Tier 2, Tier 3 सिटी से आए हो तो भाई बहुत सॉलिड इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाने वाला है हर चीज के लिए आपको कॉलेज में, आपकी लुक्स के लिए, आप कैसे कपड़े पहनते हो, आपने कौन सी घड़ी पहनी है, आपके पास कितना पैसा है, हर चीज पे आपको जज किया जाएगा। और एक अमीर और गरीब के बीच में डिवाइड क्या होता है ना सेम फीस देने के बाद भी, वो आपको ये कॉलेज सिखाता है।
चार साल कॉलेज के अंदर बहुत सुंदर कैंपस है, इंफ्रास्ट्रक्चर शायद मैं बोलूंगा दिल्ली एनसीआर में वन ऑफ द बेस्ट इस कॉलेज का आता है, उसके लिए प्लस प्लस पॉइंट देता हूँ। बट चार साल बेटा इसकी एसी की लाइब्रेरी में बैठ के अगर पढ़ाई कर ली तो चार साल के बाद की जो आपकी कंफर्टेबल लाइफ थी वो बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो जाने वाली है। प्लेसमेंट्स नहीं लगती है ऊपर के अगर टॉप 1% में हो, बाकी कॉलेज में टॉप 10% होता है। इस कॉलेज के अंदर बिवेयर, अगर आप टॉप 1% में नहीं हो तो इस कॉलेज से आपकी जो बीटेक डिग्री है वो बर्बाद। हवाबाजी यूनिवर्सिटी का लॉ स्कूल बहुत अच्छा है तो उसकी अलग बात है, पर मोटा मोटा यार ये कॉलेज बीटेक के लिए तो मेरे हिसाब से नहीं बना है। किसी को भी आप जाओ टेबल पे फीस रखो आपको एडमिशन मिल जाएगा, तो इस कॉलेज से भी मेरे को लगता है हमें दूर रहना चाहिए। और नोएडा के अलावा इसके मुंबई, ग्रेटर नोएडा कैंपस है, उनसे तो बिल्कुल ही दूर रहने की अपने को जरूरत है। नेक्स्ट कॉलेज मैं आपको बताता हूं, ये होने वाला है हमारा किंग गाजियाबाद, ठीक है। तो केसेस कॉलेज का नाम शुरू होता है, आप खुद पहचान सकते हो, 1998 में कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ, यूपीटीयू काउंसलिंग से इस कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन मिलेगा। बहुत सॉलिड कॉलेज है जो कम फीस के अंदर आपकी एक डिसेंट प्लेसमेंट करा रहा है। 10 लाख के अंदर इस कॉलेज से भी आपकी बीटेक हो जाती है। मोर देन 45% इन बोर्ड एग्जाम का क्राइटेरिया है। यूपीटीयू काउंसलिंग से एडमिशन लेता है, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू होते हैं पर बड़े मुश्किल है वो वाले एडमिशन करवाने। 48 लाख का हाईएस्ट पैकेज है, एवरेज पैकेज 6-7 लाख रुपए का देखने को मिलता है। हमारे प्रचंड बैच की यूपीटीयू काउंसलिंग से 7 बच्चों का एडमिशन किंग गाजियाबाद कॉलेज में हुआ पिछले साल। अच्छा कर रहे हैं यार सेकंड ईयर में। तो आप अगर यूपीटीयू काउंसलिंग में बैठ रहे हो, पूरा सपोर्ट चाहिए, मेंटर गाइडेंस चाहिए, प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए, सब कुछ हम लोग करवा के देते हैं, पायनियर्स हैं इंडस्ट्री में यूपीटीयू काउंसलिंग के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर सकते हो। मात्र 999 के बैचेस हैं, एडमिशन होता है यार इसका यूपीटीयू काउंसलिंग से। और गुड ब्रांड और एक मीडियम रिटर्न आपको कॉलेज चाहिए, दिल्ली एनसीआर के अंदर रहते रहते अपनी बीटेक की डिग्री करनी और एंड में सरकारी यूपीटीयू की डिग्री चाहिए, तो किंग गाजियाबाद को आप कंसिडर कर सकते हो। और एक और कॉलेज जो आपको कंसिडर नहीं करना चाहिए वो होने वाला है अनलिमिटेड सीट्स कॉलेज देहरादून, ठीक है। तो यू से इस कॉलेज का नाम शुरू होता है। 25 लाख रुपए की फीस है भाई कॉलेज की, 4 लाख रुपए का एवरेज पैकेज देता है, 6 साल तो आपको भाई इसकी फीस निकालने में लग जाएंगे, ठीक है, बीटेक की डिग्री के बाद। हाईएस्ट पैकेज 50 लाख का बोलते हैं, मैं इसको बोलता हूँ ये 50 लाख का बोलते हैं, तो यहाँ पे क्लेम्ड वर्ड लिखना बहुत जरूरी है। ऐसे ही क्लेम करते हैं कि 50 लाख का पैकेज लगा है, क्या रियलिटी है क्या नहीं है बहुत ज्यादा ग्रे पिक्चर है, ना ब्लैक है ना व्हाइट है। कॉलेज एकदम सब स्टैंडर्ड रहने वाला है, कैंपस ऐसा बहुत सुंदर नहीं बना हुआ, पहाड़ की मैगी खाने को मिल जाएगी, पहाड़ की ट्रिप्स मिल जाएगी, पर बड़ी महंगी ट्रिप पड़ेगी भैया 23 लाख रुपए की, मेरी तो समझ के बाहर है। हमारे ओम सर ने काफी फेमसली इसको उपटास कॉलेज देहरादून के नाम से रेफर किया था, तो भाई इस कॉलेज से मेरे हिसाब से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा रहेगा। मार्केटिंग टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कॉल कर करके आपको परेशान कर देगी जब तक एडमिशन नहीं लोगे, पर आप एकदम अपनी बात पे अड़िग रहोगे तो एक अच्छा डिसीजन अपने लिए कॉलेज एडमिशन सीजन में ले पाओगे। कमेंट सेक्शन में सारे लाल वाले कॉलेजेस का नाम पहचान लेना, मैं तो नहीं पहचान पाया, जिसने सारे नाम सही पहचाने उसको तुम्हारे भाई की तरफ से चाय और समोसा। और इसी नोट पे वाली वीडियो यार खत्म करते हैं, थैंक यू सो मच, आपने इतनी पावर दी है, इतने ऑडियंस दी है कि यार हम कुछ चीज का सच एकदम लोगों के सामने ला सकते हैं जो बाकी कंटेंट क्रिएटर्स या यूट्यूबर्स नहीं ला पाते। ऐसी चीजें इस वीडियो में बात करने का आपके थ्रू मेरे को सौभाग्य मिला है। जेई में कम रैंक है, 4 लाख 5 लाख 8-8 लाख रैंक पर एडमिशन करवाएंगे, सरकारी डिग्री बीटेक की दिलवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, कुछ ही दिनों में इसी हफ्ते उस वाली वीडियो को भी लाइव करेंगे। मिलता हूं एक और नई वीडियो में, एंड इट्स अ रैप अप, बाय बाय।